Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of power electronics is programmable unijunction transistor, and that is known as PUT, right? So let's start with that. Last time we have discussed the topic of UJT, jisme humne ye padha tha ki it is a unijunction transistor which is used to trigger the SCR. राइट SCR को ट्रिगर करने के लिए काम आता था और इससे हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का भी काम ले सकते हैं. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. राइट तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम यूजेटी, बट ये एक यूजेटी की तरह काम कर सकता है जब हम उसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाएंगे. मतलब ये इट कैन बी यूज एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर ऑल्सो, बट It is not a particular UJT. It is not the type of UJT, right? So, इसके बारे में पढ़ते हैं. The PUT stands for Programmable Unijunction Transistor. It is actually a type of thyristor and not like the UJT at all. इसके नाम में UJT जरूर है, but ये UJT की तरह नहीं काम करता है. It is basically the type of SCR, right? Conventional SCR की तरह ही काम करता है ये. The only similarity to UJT is that The PUT can be used in same oscillator to replace the UJT. अब इसको UJT programmable UJT क्यों बोला गया है इसको? Because इसको हम जब UJT को relaxation oscillator की तरह काम करवाते हैं तो इसकी जगह हम PUT लगा सकते हैं. और programmable word इसलिए use किया गया है because इसको हम जो इसमें intrinsic ratio UJT की होती है या जिसमें हम कहते हैं कि पीक वोल्टेज जो कि यूजेटी की होती है दैट आर फिक्स्ड, ठीक है, वो फिक्स्ड होती है, इसमें हम प्रोग्राम्ड कर सकते हैं उसको, मतलब चेंज कर सकते हैं इन दोनों को. अगर ये दोनों चीजें चेंज हो गई तो हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है वो और अपने डिजायर्ड कंट्रोल के साथ हम चला सकें, ठीक है. सो दिस इज द ओनली रीजन टू यूज द पीयूटी एज अ यूजेटी, अदरवाइज इट इज अ एससीआर. ये एक एससीआर ही है. एससीआर में जैसे एनोड कैथोड एंड गेट होते हैं, इट इज सिमिलर लाइक दैट, ठीक है जी. तो PUT is an improved version of UJT. ये basically UJT का improved version है. But PUT is a four-layer PNPN device. It also known as small version of thyristor. अब ये है एक SCR ही जो कि four-layer device है और ये small version of thyristor इसको बोलते हैं. It is called programmable because the parameters like intrinsic standoff ratio that is eta. पीक वोल्टेज कैन बी प्रोग्राम्ड विद द हेल्प ऑफ टू एक्सटर्नल रेजिस्टर. ये लाइन इसमें जो है ये हमने जरूर ऐड करनी है. इसको प्रोग्रामेबल क्यों बोला गया? बिकॉज़ इसमें जो यूजेटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं लाइक इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो एंड पीक वोल्टेज, उसको हम खुद प्रोग्राम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू एक्सटर्नल रेजिस्टर. दो एक्सटर्नल रेजिस्टर की हेल्प से हम इसको खुद चेंज कर सकते हैं इन दोनों की वैल्यूज को, इसलिए इसको प्रोग्रामेबल यूजेटी बोला गया, ठीक है. It is not manufactured in the same high current and voltage rating as the SCR. ये है SCR, but as a relaxation oscillator use किया जा सकता है. अब SCR अगर मैं इसके साथ SCR को compare करूँ तो it is not manufactured in the same high current and voltage rating. इसकी rating इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि SCR की normally होती है, ठीक है. It is usually available in smaller package. ये बहुत ही कम लो वोल्टेज और लो करंट को कंट्रोल करने के काम आता है. इट इज अवेलेबल इन स्मॉलर पैकेज एंड सिमिलर टू वेरी लो करंट एससीआर. 1 एम्पियर रेटिंग के एससीआर जैसा ये काम करेगा, ठीक है. सो लो लेवल एससीआर बोल सकते हैं. आगे है इसका सिंबल. तो दिस इज द सिंबल. इट इज सिमिलर टू द एससीआर. ये बिल्कुल सिमिलर है उसके, सिर्फ फर्क यही है इसकी वोल्टेज एंड करंट रेटिंग इज वेरी स्मॉल, ठीक है. तीन टर्मिनल्स है, एनोड कैथोड एंड गेट. सेम वर्किंग है जैसे कि नॉर्मली एससीआर की होती है. ये इसका फोर लेयर कंस्ट्रक्शन डिवाइस है या इंटरनल ब्लॉक डायग्राम, जिसमें पी को एनोड के साथ, एन लेयर को कैथोड के साथ और एन लेयर को गेट के साथ कनेक्ट किया है. और जो गेट है दैट इज मोर क्लोजर टू द एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है. जो गेट है इसको हम एनोड गेट भी बोलते हैं. एनोड गेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एनोड के साथ बहुत क्लोज होता है, ठीक है. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. कंस्ट्रक्शन है इसकी. द कंस्ट्रक्शन ऑफ PUT इज सिमिलर टू दैट ऑफ SCR. SCR के जैसे ही कंस्ट्रक्शन है इसकी. इट हैज फोर लेयर्स, सिमिलर है फोर लेयर्स का बना है PNPN स्ट्रक्चर का.
विद थ्री जंक्शन, तीन जंक्शन है इसमें, जे वन जे टू जे थ्री, यहाँ से देख सकते हैं आप, दिस इज जे वन, दिस इज जे टू एंड दिस इज जे थ्री, विच इज कनेक्टेड टू पी टाइप टर्मिनल इज कॉल्ड अ नोड. और जो पी टाइप टर्मिनल, आउटर पी टाइप टर्मिनल है, उसके साथ जो टर्मिनल कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड अ नोड. और जो टर्मिनल एन टाइप मटीरियल, आउटर एन टाइप मटीरियल के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कैथोड. द गेट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप मटीरियल नियर टू द एनोड टर्मिनल. गेट टर्मिनल जो है वो एन टाइप के साथ कनेक्टेड है और एनोड टर्मिनल के क्लोज है. एज द गेट इज क्लोज टू एनोड देन कैथोड, इट इज कॉल्ड एनोड गेट. ठीक है, ये ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. आगे है इसकी करैक्टरिस्टिक्स. तो पहले तो करैक्टरिस्टिक्स ऐसी बनेगी, इट इज सिमिलर लाइक यूजेटी. इसमें भी वही चीज है कि पहले तीन रीजन आएंगे, पहले कट ऑफ रीजन होगा, दिस इज कट ऑफ रीजन. जब बीपी से नीचे नीचे वोल्टेज आएगी इसकी, उस टाइम पे ये कट ऑफ रीजन में होगा. जब बीपी से, एक बार बीपी पहुंच गई, उसके बाद ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में चला जाएगा. फिर जब ये वैली पॉइंट तक वोल्टेज पहुंच जाएगी, इट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस और वोल्टेज कम होती जाएगी. फिर एक वैली पॉइंट आएगा, वैली पॉइंट के बाद ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा. ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट करैक्टरिस्टिक्स. ये तीनों जो है, इट इज सिमिलर लाइक यूजेटी. अब इस करैक्टरिस्टिक्स को लाने के लिए जो बाइसिंग सर्किट हमें चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो और बीपी को अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू एक्सटर्नल रेजिस्टर्स, राइट. तो वो रेजिस्टर्स कहाँ लगे हैं, दीज आर द रेजिस्टर्स आर वन एंड आर टू. दिस इज बेसिकली अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. ये जो सर्किट है, इट इज कनेक्टेड टू द गेट. मतलब हम गेट को इन दोनों रेजिस्टर्स से सप्लाई दे रहे हैं ताकि ये टर्न ऑन हो सके. जब ये टर्न ऑन होगा तो क्या करेगा, यहाँ से पीछे जो एनोड करंट आ रहा है, इट विल पास टू द कैथोड साइड. ठीक है, और यहाँ पे जो वीजी आएगी, गेट वोल्टेज, वो आएगी ईटा बीबीबी. बीबीबी इज बेसिकली वोल्टेज अगेंस्ट दीज एंड ईटा इज बेसिकली जो हमारा है, दैट इज आर वन ओवर आर वन प्लस आर. ठीक है, तो ये होता है ईटा. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी बीजी आएगी. इटा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मींस बीजी को कंट्रोल कर सकते हैं. बीजी कंट्रोल होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ये टर्न ऑन जल्दी होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट पीयूटी. बट इसका जो बाइसिंग सर्किट है वो आपने बनाना है. दिस इज बाइसिंग सर्किट एंड दिस इज करैक्टरिस्टिक्स, दोनों बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में आगे वर्किंग प्रिंसिपल में समझाता हूँ. तो करैक्टरिस्टिक्स में और क्या है, पहले द एनोड ऑफ पी यू टी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव वोल्टेज. जो इसका एनोड है, मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको, दिस इज एनोड एंड इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सप्लाई एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. कैथोड को हमने ग्राउंड किया गया. द गेट इज कनेक्टेड टू जंक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल रेजिस्टर आर वन एंड आर टू विच फॉर्म्स अ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क. अब जो गेट है उसको दो रजिस्टर के साथ, जिसको हम एक्सटर्नल रजिस्टर बोलते हैं और बाइसिंग रजिस्टर्स बोलते हैं, इसके साथ कनेक्ट किया गया है. और दिस इज अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, राइट. इट इज द वैल्यू ऑफ दीज टू रेजिस्टर दैट डिटरमिन्स द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो एंड पीक वोल्टेज ऑफ द पीयूटी. ये दोनों रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिटरमिन करेगी, वो जज करेगी कि ईटा की वैल्यू क्या आएगी और वीपी की वैल्यू क्या आएगी. तो वीपी इज प्रोग्रामेबल, ठीक है, हेयर, जो कि यूजेटी में फिक्स्ड होता है. उसके बाद When the anode to cathode voltage is increased, जब ये वाली voltage को increase किया जाता है तो क्या होता है, the anode current will also get increased. यहाँ से anode current बढ़ जाएगा. The junction behaves like a typical PN junction. उस time पे ये जो है एक typical PN junction की तरह behave करेगा, जिसमें voltage बढ़ने से current बढ़ रहा है. ठीक है, उस टाइम पे ये जो टाइम है इसमें होता क्या है, वोल्टेज ज्यादा बढ़ रही है, करंट कम बढ़ रहा है. ये क्यों है, बिकॉज ये लीकेज करंट है यहाँ पे. ठीक है, स्मॉल करंट फ्लो करेगा क्योंकि अभी टर्न ऑन नहीं हुआ है, तो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज. वोल्टेज ज्यादा बढ़ रही है और करंट जो आई ए है वो बहुत कम बढ़ रहा है इस टाइम पे, राइट. दिस इज बेसिकली नॉर्मल पी एन जंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. बट वी ए कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट. अब जो वी ए है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाता है, यहाँ पे आके रुक जाता है. एट दिस पॉइंट सफिशियंट नंबर ऑफ चार्जेस आर इंजेक्टेड. अब जो वैली पॉइंट है उस पॉइंट पे आके, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ, वैली पॉइंट पे आके सफिशियंट नंबर ऑफ चार्जेस आर इंजेक्टेड एंड जंक्शन स्टार्ट टू सैचुरेट. यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है जंक्शन. मतलब ये एक जो करंट है एनोड करंट, ये फुली इंक्रीज, फुली इसमें से पास करना शुरू कर जाता है. ठीक है, इस पॉइंट पे आके बीपी पे. तो जब एनोड करंट
इसमें से पास करता है तो क्या होता है, इट गोज इन टू द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. जंक्शन स्टार्ट्स ऑन सच अ बियॉन्ड दिस पॉइंट द एनोड करंट इंक्रीजेस एंड एनोड वोल्टेज डिक्रीजेस. इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, यहां से यू कैन सी वोल्टेज डिक्रीज होनी शुरू हो गई है. ठीक है, वैली पॉइंट तक ये डिक्रीज ही होती रहती है और जो करंट है दैट इज स्टार्ट गोइंग टू इंक्रीज, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि पीक पॉइंट पे आके एनोड करंट इंक्रीज हो रहा है, एनोड वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव रेजिस्टेंस सिनेरियो. ये यूजेटी का जैसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन था यहाँ भी बन गया. एंड दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इन द पीयूटी कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. अब यही रीजन है कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस जो रीजन है ये इसी वजह से हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, वैसे तो यूजेटी करते हैं हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के लिए, बट ये उससे इम्प्रूव्ड वर्जन है तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं इन द रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. आगे, व्हेन द एनोड वोल्टेज इज रिड्यूस टू अ पर्टिकुलर लेवल दैट इज कॉल्ड वैली पॉइंट. जब वो वोल्टेज जो डिक्रीज हुई थी अभी वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, दैट इज कॉल्ड द वैली पॉइंट. उसके बाद द डिवाइस फुली सैचुरेट बिकम्स फुली सैचुरेटेड. उसके बाद ये सैचुरेशन रीजन आ जाता है डिवाइस का. इसमें क्या होता है, नो मोर डिक्रीज इन द वी ए इज पॉसिबल, वी ए और डिक्रीज नहीं हो पाती है. Thereafter, the device behaves like a fully saturated PN junction. उसके बाद ये एक proper PN junction की तरह काम करता है saturation region में, जिसमें anode current भी बढ़ेगा और anode voltage भी बढ़ेगा. ठीक है, मतलब voltage के साथ साथ current भी बढ़ेगा. So that is known as saturation region. And this is all about characteristics. इसमें दो terminology याद रखने वाली है, एक peak voltage, वो क्या होती है, it is anode to cathode voltage after which the foot jumps into the negative resistance region. ये कैसी वोल्टेज है जिसमें जिसके बाद पीयूटी जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में पहुंच जाता है, एंड इट इज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ पीयूटी. द पीक वोल्टेज, पीक का मतलब मैक्सिमम, विल बी यूजुअली वन डायोड ड्रॉप प्लस द गेट टू कैथोड वोल्टेज. ये होता क्या है, दिस इज बेसिकली 0.7 वोल्ट ऑफ डायोड जो कि उसके लिए डायोड को टर्न ऑन करने के लिए यूज होता है, प्लस बीजी. बीजी क्या है, जो कि गेट वोल्टेज हम दे रहे हैं, दैट इज given by the R2 and R1 resistance. ठीक है, तो इन दोनों से मिलके हम जो है ये VPP बना सकते हैं. अब VGG जो है that is eta VGG ये भी बोलते हैं इसको VBB. ठीक है, तो ये भी इसको बोल सकते हैं, eta programmable है, that means VGB programmable है, VG programmable है, तो इसको भी हम control कर सकते हैं, VP change हो सकता है. तो 0.7 plus VR1 भी बोलते हैं, VR1 मतलब eta VBB भी बोलते हैं. ठीक है, where N is the intrinsic standoff ratio and VBB is the total voltage across the external resistance. Well, this is desirable. हम इसको अपने accordingly change कर सकते हैं in the PUD. आगे eta क्या होता है? It is the ratio of two external resistors to the sum of R1 and R2. It is basically R1 over R1 plus R2. ये याद रखना आपने. eta की value ये होती है. It helps us to predict how much voltage will be dropped across the gate and cathode for a given VPP. ये हमें बताएगा कि कितनी voltage drop होगी according to resistance value. ठीक है, उसके accordingly हमारी peak voltage change हो जाएगी. ठीक है, आगे है applications. Main application of programmable UJT are relaxation oscillator. इसको relaxation oscillator के लिए use करते हैं, thyristor firing के लिए use करते हैं, pulse circuit के लिए and timing circuit के लिए. So this is all about PUT. इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप ऑनलाइन सेशन में या कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.